sit down. आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका व्हाट्सएप का वीडियो डिलीट हो जाता है, उड़ जाता है, चाहे ईमो का हो चाहे गैलरी का वीडियो हो, वो आप बहुत मेहनत से शूट किए रहते हैं और वो जो है डिलीट हो जाता है, उड़ जाता है, तो आप बहुत टेंशन में आ जाते हो कि उसको हम कैसे वापस लाएंगे, रिकवरी कैसे करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि कोई हमें भेजता है व्हाट्सएप में, वो भी जो डिलीट हो जाता है तो हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि अब जो मेरा वीडियो जो है डिलीट हो चुका है, उड़ चुका है, उसको हम कैसे वापस लाए। तो मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो आपका ऐसा कोई भी वीडियो है जो आप बहुत मेहनत शूट किए रहते हैं, वो डिलीट हो जाता है आपका गैलरी से हो या व्हाट्सएप से हो या ईमो से हो, तो उसको आप कैसे रिकवरी करेंगे, वापस कैसे लाएंगे अगर वो वीडियो आपका डिलीट हो जाता है, उड़ जाता है। तो सुबह मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियो पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में दिखाऊंगा कि किस तरीके से अगर आपका कोई भी वीडियो जो है डिलीट हो जाता है तो उसको आप कैसे रिकवरी करेंगे, कैसे वापस लाएंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप पे मेरे पास कोई एक वीडियो यहाँ पे भेजा है गुरु जी के नाम से, इस तरीके से यहाँ पर देखिए मेरा वीडियो है। इसको मैं इस तरीके से पहले डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करने के बाद मैं आपको इसको डिलीट करके दिखाऊँगा, इसको रिकवरी करके दिखाऊँगा कि ये वीडियो कैसा है। तो पहले इसको मैं आपको सुना देता हूँ, यहाँ पर प्लीज़ इसको सुन लीजिए। इस वीडियो को मैं यहाँ से पहले इसको गैलरी से डिलीट करूँगा। मैं यहाँ से गैलरी में ओपन हो जाता हूँ, इस तरीके से नीचे जाएंगे, नीचे से आप इसको ढूंढना स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो आप डाउनलोड कीजिएगा वो नीचे आएगा। यहाँ पर देखिए न्यू करके आ चुका है, इसको मैं यहाँ से पहले इसको डिलीट करके हटा देता हूँ। ठीक, यहाँ से देखिए मेरा डिलीट हो चुका है। इसको जो है आप जो नया फीचर आया है व्हाट्सअप में, आप तो इसको दोबारा से भी यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन फिर से यहाँ पर आपका आ चुका है। इस तरीके से अब आपको नहीं चलेगा, डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, फिर से आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये नया फीचर आया है, इसको आप दोबारा से यहाँ पर डाउनलोड पर जाएंगे और यहाँ से दोबारा से इसको डाउनलोड आप इसको कर सकते हैं, या आपको इसको डिलीट कर देना था इसको आप परमानेंटली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि वहाँ से हमको गैलरी से डिलीट हो गया है और फिर इसको हम डाउनलोड करें, तो यह नया फीचर दिया है, इससे आप यहाँ से दोबारा से डिलीट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से भी जो है व्हाट्सअप से भी मैं इसको यहाँ से डिलीट करके हटा देता हूँ जो हमको भेजा है। अब मैं चलता हूँ जो है एप्लीकेशन में जहाँ से इसको जो वीडियो को हम रिकवरी करेंगे वापस लाएंगे। तो इसके लिए हमको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, वो एप्लीकेशन है डिलीटेड वीडियो रिकवरी। इसको जो है आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ गेट स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फोर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, रिकवरी, ब्रेकअप, जंक, क्लीन और यहाँ पर शेयर का। तो यहाँ रिकवरी वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको फोर स्टेप मिल जाता है। यहाँ पर देखिएगा अगर आपका जो है वीडियो डिलीट हो जाता है, इमेज, ऑडियो और डॉक्यूमेंट, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे रिकवरी करेगा। तो रिकवरी करने के लिए सबसे ऊपर आपको जो देख रहे हैं ऑप्शन मिल रहा होगा एक ठो डीप स्किन रिकवरी का, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो है वीडियो, फोटो और यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ पर रिकवरी करना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके मोबाइल से जो ऑडियो मतलब जो गाना भी डिलीट हो जाता है तो उसको भी गाना को भी आप यहाँ पर आपको रिकवरी कर देगा। तो यहाँ पर आपको फोर स्टेप है, यहाँ पर देखिए कि मेरा यहाँ फोटो, यहाँ पे वीडियो और नीचे यहाँ डॉक्यूमेंट को यहाँ पे रिकवरी कर रहा है। तो इसको हम रिकवरी होने देते हैं, जितना भी आपको जो मोबाइल से डिलीट हुआ रहेगा वो सारे के सारे यहाँ पे आपको जो है व्हाट्सअप से इमेज जो है, फोटो है या डॉक्यूमेंट, वो भी आपको यहाँ पे रिकवरी कर देता है। वीडियो तो करता ही करता है, व्हाट्सअप से हो या ईमो से हो या गैलरी से, जितना भी वीडियो जो आपको मोबाइल से डिलीट हुआ रहेगा वो सारे के सारे यहाँ पे आपको रिकवरी करके मतलब आपको वापस ला देगा यहाँ पे। तो इसको जो है आपको थोड़ा वेट कर ले, तो यहाँ पे आपको कुछ वेट कर लेना है, आपको जितना भी फाइल जो डिलीट हुआ रहेगा वो सारे के सारे यहाँ पे आपको रिकवरी करके ये वापस ला देगा। तो आपको कुछ यहाँ पे वेट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्कैनिंग फिनिश्ड और यह इतना फाइल जो है आपका यहाँ पे रिकवरी
हो चुका है, यहाँ पे आपका वीडियो, यहाँ पे फोटो और यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे रिकवरी कर चुका है। और मेरे मोबाइल में जो है इस मोबाइल से जो है ऑडियो मतलब गाना डिलीट नहीं हुआ था, तो यहाँ पे इसको रिकवरी नहीं किया। तो चलिए यहाँ पे मैं वीडियो वाले पे क्लिक करता हूँ, और वीडियो वाले पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐड आएगा, क्योंकि ये फ्री वाला ऐप है, तो यहाँ आपको ऐड हटा देना है। यहाँ पर देखिए कि जो भी आप फाइल जो वहाँ पर डिलीट किए थे वहाँ से यह जो फाइल जो है सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर ला चुका है। तो यहाँ इस फाइल को हम ओपन करेंगे, मैं इसको आपको प्ले करके सुना देता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी आपको इसको प्ले करके सुनाया था, तो इसको मैं प्ले करूँगा। सो गाइस आपने इसको सुन लिया, मैं इसको प्ले किया था, तो इसको जो मैं आप दोबारा से इसको वापस ले आया हूँ जो मैं इसको डिलीट किया था। तो इसको आप दोबारा से अपने जो है गैलरी में वापस लाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा री स्टोर का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए कि आपका फाइल जो है सक्सेसफुली यहाँ पर रिकवरी हो चुका है। चलिए इसको हम गैलरी में देख लेते हैं, गैलरी में जो है मेरा वीडियो आया है या नहीं। तो इसके लिए हम गैलरी को ओपन करेंगे, और गैलरी को ओपन करने का सबसे नीचे से जाएंगे, क्योंकि ऊपर से मेरा फाइल सब रहेगा तो ऊपर में नहीं आता है, ये नीचे से ही आएगा आपका अभी जो भी गैलरी होगा उसमें। तो इसको मैं नीचे से चेक कर लेता हूँ कि कहाँ पे ये मेरा जो है रिकवरी होकर आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये न्यू करके आया हुआ है, और यहाँ पर मेरे यहाँ देख रहे हैं कि रीस्टोर वीडियो, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए कि मेरा ये वीडियो यहाँ पर वापस से आ चुका है। चलिए मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ, तो इस पर प्ले वाले पर क्लिक करेंगे, इसको ओके करेंगे और यहाँ पर आपका प्ले होना ये स्टार्ट हो जाएगा। मैं इस तरीके से ओके करूँगा। सो गाइस इसने आपने देखा कितने आसानी से जो मेरा डिलीट हुआ है व्हाट्सएप का वीडियो, उसको मैं कितने आसानी से उसको रिकवरी करके वापस ला सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार भी जो है एप्लीकेशन है, जिससे आप बहुत ही आसानी से आप जो है अपना कोई भी वीडियो है व्हाट्सएप पे है या ईमो पे है या गैलरी में से है जो डिलीट हो जाता है उड़ जाता है, वो आपको इम्पोर्टेंट रहता है, चाहे वो आप शूट किए रहते हैं या आपको कोई भेजा रहता है, वो जो डिलीट हो जाता है तो आप बहुत टेंशन में आ जाते हैं उसको कैसे रिकवरी करेंगे कैसे वापस लाएंगे। सो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है डिलीटेड वीडियो रिकवरी, इससे आप बहुत ही आसानी से अपना कोई भी वीडियो जो है जो व्हाट्सएप पे से डिलीट हुआ है ईमो या आपके गैलरी में से, वो सारे के सारे वीडियो को आपको एक चुटकी में आपको वापस ला देगा। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ।